यूपी सरकार के व्यवसायिक शिक्षा और कौशल विकास स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने एमकेएन न्यूज से बात करते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश में एक शानदार वातावरण चल रहा है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं और हमारा विभाग कौशल विकास, व्यवसायिक शिक्षा और स्किल इंडिया उद्यमिक मंत्रालय भारत सरकार द्वारा साथ में मिलकर एक संयुक्त अभियान चला रहा है जिसमें युवाओं को कौशल विकास से जुड़ने का और उनके रोजगार देने का काम हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के निर्देश पर आज राजधानी लखनऊ में रोजगार मेले का आयोजन हुआ जिसमें 100 कंपनियां पहुंची है जिसमें 30,000 से ज्यादा युवाओं ने इंटरव्यू दिया है। यूपी में बेरोजगारी को दूर करने के लिए लगातार यूपी सरकार काम कर रही है और कौशल महोत्सव के तहत यूपी में बेरोजगारी को दूर करने के लिए आयोजन किया गया है। बातचीत करने के लिए मेरे साथ हैं कपिल देव अग्रवाल जी जो यूपी सरकार में मंत्री। मंत्री जी, जिस तरीके से यूपी में बेरोजगारी को दूर करने के लिए लगातार सरकार काम कर रही है, कौशल महोत्सव का शुरुआत हुई है, किस तरीके शानदार एक वातावरण इसमें उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस पर काम करके नीति पर काम कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारा विभाग कौशल विकास, व्यवसाय शिक्षा और स्किल इंडिया और उद्यमिता मंत्रालय भारत सरकार ऐसा मिलाकर के एक संयुक्त अभियान चल रहा है युवाओं को कौशल विकास से जोड़ना, उनको रोजगार देना। उसी की प्रेरणा से आज माननीय रक्षा मंत्री जी के निर्देशन में, उनकी प्रेरणा से और लखनऊ के अंदर एक शानदार मेले का आयोजन हुआ जिसमें लगभग 100 कंपनियाँ, देश भर की नामचीन कंपनियाँ यहाँ पहुँची हैं और 30,000 युवा इंटरव्यू दे रहे हैं। निश्चित रूप से एक नीरज सिंह जी जो हमारे यंग इंडिया के संयोजक हैं, उनका प्रयास से कार्यक्रम हो रहा है और स्किल डेवलपमेंट के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। इतना बड़ा इन्वेस्टर समिट हुई है, उसमें लगभग जो भी इन्वेस्टर्स आएंगे, चाहे देश के हों चाहे बाहर के हों, उन समय जितनी भी इंडस्ट्रियाँ डेवलप होंगी तो हमको लगता है कम से कम 1 करोड़ युवाओं को यहाँ पर रोजगार के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने के अवसर प्राप्त होंगे। तो वह किस किस मैन पावर की जरूरत है, किसी किसी स्किल की जरूरत है, ऐसे स्किल युवाओं को हम तैयार करने का काम करें। हमारे ड्रोन में, एरोनॉटिक्स में, सोलर में, आईटी में, इलेक्ट्रॉनिक में, हॉस्पिटलिटी में, मेडिकल में, होटल मैनेजमेंट में और डेस्क में, डिजाइनिंग में, डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर युवाओं को, युवतियों को हम तैयार कर रहे हैं। आने वाला समय भारत का है, प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि आज़ादी का अमृतकाल यानी आने वाले 25 वर्ष हमको कैसे मनाने हैं, तो मुझको पूरा भरोसा इस बात का है कि आज़ादी के अमृतकाल जो आने वाले 25 वर्ष हैं उसमें हमारे युवा स्किल्ड होंगे। युवा स्किल्ड होंगे तो स्वयं आत्मनिर्भर होंगे, नौकरी करेंगे या एंटरप्रेन्योर होंगे, उनको फिर काम करने का मौका मिला तो उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर होगा और उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर होगा तो भारत आत्मनिर्भर हो सकेगा, जिसके कारण से प्रधानमंत्री का संकल्प $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का और माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, उसको पूरा करने का काम कर सकें। धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ कपिल देव अग्रवाल जो यूपी सरकार में मंत्री हैं, जिन्होंने सीधे साफ तौर पर बताया कि जिस तरीके से यूपी गवर्नमेंट बेरोजगारी को दूर करने के लिए काम कर रही है तो कहीं ना कहीं उसे यूपी में बेरोजगारी दूर होगी। कैमरा पर्सन आयुष के साथ अविनाश, एमके न्यूज लखनऊ।